अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है झांसी भाषमी और ये है होंडा सिविक ओरियल 2022 और टोयोटा क्रोला ग्रैंडी एक्स 2022 मॉडल। ये दोनों गाड़ियां 22 मॉडल हैं, लेकिन सिविक की 11 जनरेशन है जो कि रिसेंट लॉन्च हुई है और बाय द वे क्रोला की भी 11 जनरेशन ही है। प्राइस के लिहाज से दोनों गाड़ियां करीब करीब ही हैं और कुछ फीचर इस गाड़ी में ज़्यादा अच्छे आते हैं, कुछ फीचर इस गाड़ी में ज़्यादा अच्छे आते हैं और इन दोनों गाड़ियों का आज मैं कंपेयर करने वाला हूँ क्योंकि इन गाड़ियों की प्राइस भी आस पास ही हैं। अगर कुछ मेन हाईलाइट्स बताई जाएँ तो इस गाड़ी की जनरेशन नहीं है, ये गाड़ी बिल्कुल नई शेप है और ये गाड़ी 2015 से आ रही है, लेकिन ये गाड़ी फीचर्स बहुत ज़्यादा ऑफर करती है एज़ कम्पेयर टू दिस कार। तो इन दोनों गाड़ियों के प्रोस एंड कॉन्स में रिव्यू में कवर करने वाला हूँ और अगर बात की जाए इनकी प्राइसेस की तो इस गाड़ी की डिमांड 83 लाख रुपीज़ है और इस गाड़ी की डिमांड 79.5। ये दोनों गाड़ियाँ इसी रेंज के आसपास वेरी करती हैं, आपको इतने में ही ग्रैंडी भी मिल सकती है और ओरियल भी मिल सकती है, लेकिन दोनों गाड़ियों में से कौन सी बेहतर है आपको इस कंपैरिजन के बाद काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा। सो ओवरऑल दीज आर ग्रेट कार्स एंड टुडे आई एम गोइंग टू कंपेयर देम। ये दोनों गाड़ियाँ साइकिल मोड स्पोर्ट के पास अवेलेबल हैं। साइकिल मोड्स की टोटल दो ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में DH2 के केबिन के ऑपोजिट लोकेटेड है और फिर एक रावलपिंडी में मरी रोड पर लोकेटेड है। इन दोनों ही ब्रांचेस में सिर्फ गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग ही नहीं बल्कि गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसे कि टिंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्रेफिन कोटिंग और इसके अलावा फिर यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं। आप 2015 वाली ग्रैंडी को इस तरह की शेप भी दे सकते हैं और सिविक स्टैंडर्ड या ओरियल को RS भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो गाड़ियों में किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन या पेंट जॉब के काम करिए, साइकिल मोटर स्पोर्ट्स इज द प्लेस। ओवरऑल दीज आर ग्रेट कार्स एंड टुडे आई एम गोइंग टू कंपेयर देम। Let's start with the exterior of these cars. Looks के लिहाज से ये दोनों गाड़ियाँ अपनी अपनी जगह हैं, लेकिन मेरे ख्याल से एग्रेसिव ये वाली गाड़ी ज़्यादा लगती है। इसको एक बार फेसलिफ्ट किया गया और 2021 में इसकी लुक्स को दोबारा से फ्रेश किया गया था और उसके बाद इस गाड़ी के नाम के साथ ग्रैंडी एक्स का बैच ऐड कर दिया गया है। बम्पर इस गाड़ी काफ़ी एग्रेसिव है, इनमें ये बॉडी किट्स भी आती हैं और उसके अलावा इसके फ्रंट पर ये एक ब्लैक वाला पार्ट ऐड कर दिया गया है, जैसा कि टोयोटा की मोस्टली कार्स में आता है। इसके अलावा ये गाड़ी फ्रंट पे फ्रंट कैमरा भी ऑफर करती है और इसकी हेडलाइट्स में भी फीचर ज़्यादा आते हैं, इस तरह से कि ये 22 राउंड वाली हैं और इनमें DRL भी दी गई है, जबकि सिविक में ऐसा नहीं है। सिविक की हेडलाइट्स बिल्कुल बेसिक सी हैं। इस पर प्रोफेशनल लैंप आता है स्टैंडर्ड में भी और ओरियल में भी और इसके अंदर हेलोजन लैंप आता है, यानी कि येलो वाली लाइट। तो ये मेरे ख्याल से बड़ी अजीब चीज़ है, आप 80 लाख प्लस की गाड़ी ले रहे हैं और उसमें आपको हेडलाइट्स भी LED वाली नहीं मिल रही। बाकी फ्रंट पर दोनों ही गाड़ियाँ फ्रंट कैमरास ऑफर करती हैं और इन दोनों ही गाड़ियों में फॉग लैंप भी आते हैं जो कि LED में है। सिविक में चीज़ वियर्ड है, LED फॉग लैंप लेकिन हैलोजन हेडलाइट। बाकी ग्रैंडी में फीचर ज़्यादा आते हैं, इस तरह से कि इस गाड़ी के जो वाइपर्स हैं ये भी रेन सेंसिंग हैं, यानी कि ये बारिश को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होंगे। सिविक में ये फीचर नहीं आता। हेडलाइट्स इन दोनों ही गाड़ियों की और ऑटो के फीचर के बगैर आती हैं, लेकिन सिविक की क्योंकि जनरेशन नहीं है तो इसकी एक अपनी ही लुक है। ये गाड़ी जिसके ही पास हो उसको आइडिया होगा कि ये गाड़ी बिल्कुल लेटेस्ट है, हालांकि इस गाड़ी को लोगों ने 2015 वाली कार को भी फेसलिफ्ट करवा के इस तरह की शेप दी हुई है। तो मेरे ख्याल से अगर आपको एक नई दिखने वाली कार चाहिए तो ये गाड़ी बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन अगर आपको फीचर से मतलब है और ड्यूरेबिलिटी से तो ये गाड़ी भी एक अच्छा ऑप्शन है। खैर ये तो हो गए फ्रंट लुक्स। अगर बात की जाए साइड प्रोफाइल की तो ये सिविक की साइड प्रोफाइल है, यहाँ पे कैरेक्टर लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग दी गई है जो कि फ्रंट फेंडर से टेल लाइट से कंटिन्यू करती हैं और इसके अलावा ये गाड़ी फीचर्स के लिहाज से भी अच्छी है, इस तरह से कि इस गाड़ी में साइड मिरर जो हैं रिट्रेक्टेबल भी आते हैं, एडजस्टेबल भी आते हैं और इन ऑटो का फीचर भी है, यानी कि अगर मैं इस गाड़ी को यहाँ से लॉक अनलॉक करूँगा तो ये फोल्ड अनफोल्ड होंगे और इसमें फिर ये इंडिकेटर भी आते हैं और डेफिनेटली गाड़ी क्योंकि नई शेप है तो मेरे ख्याल से इस गाड़ी को बहुत ज़्यादा एज हासिल है ग्रैंडी के ऊपर। फिर इसके अलावा ये गाड़ी सनरूफ ऑफर करती है, इसमें क्रोम आता है यहाँ पर, इसके RS पेंट्स के अंदर क्रोम नहीं आता। सिविक के अंदर एक और चीज़ अच्छी है वो ये है कि इसके वाइपर थोड़े से हिडन है, ये बोनट के नीचे दिए गए हैं जबकि ग्रैंडी में ये बिल्कुल एक्सपोज हैं। फिर इसके अलावा रिम इस गाड़ी में 16 इंच के हैं, टायर इस गाड़ी में जनरल के हैं और इसमें जो रूफ है ये सिंगली पीस आती है, इसमें कोई जॉइंट नहीं है। ये चीज़ यूजली बड़ी कार्स में आती है जैसे कि ऑडी A6 वगैरह में, उसकी भी छत सिंगल पीस होती है, इसकी भी सिंगल पीस है, इसमें कोई जॉइंट नहीं है, तो ये एक डिस्टिंक्टिव सी चीज़ है। और अगर बात कीजिए ग्रैंडी की साइड प्रोफाइल की तो यहाँ पर सब कुछ बड़ा मेच्योर सा है, यहाँ पर कट लाइंस बड़ी स्मूथ सी दी गई हैं, डुअल वीडिया की बैचिंग दी गई है, साइड मिरर इस गाड़ी के भी सेम फीचर्स ऑफर करते हैं, यानी कि रिट्रेक्टेबल भी हैं, एडजस्टेबल भी हैं, इनमें ऑटो का फीचर भी आता है और ये गाड़ी भी सनरूफ ऑफर करती है। इसमें भी विंडोज़ के आसपास क्रोम दिया गया है, लेकिन इसके डोर हैंडल्स के अंदर भी क्रोम दिया गया है। इसके रिम भी एल्युमिनियम की फिनिश में है और ग्रैंडी की एक्स वाले बैच के बाद से इसमें क्रोम बहुत सारा कर दिया गया। फिर इसके अलावा इसमें सॉफ्ट अनलॉक सिर्फ ड्राइवर के पास आता है, पैसेंजर के पास नहीं आता, जबकि सिविक में ये पैसेंजर के पास भी आता है। और इसके अलावा फिर ये इसमें साइड स्कर्ट्स दी गई हैं जो कि इसकी लुक में एक अच्छा टच ऐड करती हैं। रिम इस गाड़ी में भी 16 इंच का है, लेकिन टायर इसमें बेहतर आता है। अगर बात की जाए रेयर इनकी तो ग्रैंडी की साइड प्रोफाइल है, इसमें रूफ पे कोई शार्क एंटीना वगैरह नहीं आते और ग्रैंडी में फ्यूल टैंक कैपेसिटी कंपैरेटिवली सिविक से ज़्यादा है। ग्रैंडी का फ्यूल टैंक 55 लीटर का होता है जबकि सिविक का फ्यूल टैंक इससे कम है, जो कि मैं आगे कवर करूंगा अभी। और इसके अलावा इसके बैक पे ये एक्सटेंशन भी ऐड कर दी गई है फेसलिफ्ट के बाद से। और ये सिविक की साइड प्रोफाइल, इसमें कोई साइड स्कर्ट्स वगैरह नहीं आती, लेकिन बैक पे एक क्वार्टर ग्लास दिया गया है और इसके फ्यूल टैंक, इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी 47 लीटर्स की है।
नंदरती दोनों ही गाड़ियाँ आपको तकरीबन 6-6.5 किलोमीटर तक की रेंज प्रोवाइड कर सकती हैं। बाकी इसमें बैक पे ये शार्प एंटीना दिया गया है। इसके बाद अगर बात की जाए इन गाड़ियों को रेड एंड की, तो ये भी आगे से अपनी ओपिनियन है, ये गाड़ी थोड़ी लेटेस्ट शेप है, इसकी लुक थोड़ी ज़्यादा अग्रेसिव आती है। इसमें जो आर्स वर्जन आता है सिविक के अंदर, उसकी लुक थोड़ी अग्रेसिव होती है, लेकिन ये गाड़ी बिल्कुल बेसिक सी है। इसकी लुक बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। बैक पे इसके बम्पर में ये एक्सटेंशन आती हैं कि ब्लैक वाला पोर्शन ऐड कर दिया गया है एक्स के बाद से, और इसके अलावा ग्रैंडी अगेन बहुत सारा क्रोम ऑफर करती है। इस गाड़ी को 2017 में फेसलिफ्ट किया गया था, जिसके बाद से इसकी टेलाइट्स के अंदर ये क्रोम वाला पोर्शन बहुत बड़ा कर दिया गया, और उसके अलावा फिर इस बैक पे बहुत सारे बजट ऐड कर दिए गए हैं, टोयोटा क्रोला ऑल्टिस ग्रैंडी 1.8X, और फिर इसमें सेंटर में भी क्रोम आता है, जबकि सिविक में सब कुछ बड़ा मैच्योर सा दिया गया है। इसकी टेल लाइट्स LED में है, जो कि एंड टू एंड कंटिन्यू करती हैं, लेकिन इंडिकेटर और रिवर्स इन दोनों ही गाड़ियों में हैलोजन वाले आते हैं। बाकी ट्रंक को लॉक करने के लिए इनमें यहाँ पे रिलीज किए गए हैं ये सिविक की ट्रंक कैपेसिटी और ये ग्रैंडी की ट्रंक कैपेसिटी। ग्रैंडी में एक चीज एक्स्ट्रा आती है यहाँ पे, और वो ये है कि इसके रिब बैंड 60-40 के स्प्लिट के साथ हैं, इनको आप केबिन के अंदर से फोल्ड करके इसकी ट्रंक कैपेसिटी को ज़रा खुला बना सकते हैं, जबकि सिविक में ऐसा कुछ भी नहीं है। स्पेयर टायर इन दोनों ही गाड़ियों में फुल साइज के आते हैं 16 इंच के, और इसके अलावा इन दोनों की ट्रंक के अंदर इंसुलेशन भी दी गई है, जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। ग्रैंडी में भी बैक पे एक बैकअप कैमरा आता है और सिविक में भी, लेकिन सिविक के जो RS वर्जन है उनमें बैक पे डुअल एग्जॉस्ट आते हैं, वो चीज़ ग्रैंडी ऑफर नहीं करती। और डेफिनेटली अगेन ये गाड़ी क्योंकि लेटेस्ट जनरेशन है, तो इसकी लुक्स पाकिस्तान में लोगों को भी मतलब बहुत बेहतर लग रही है एज कम्पेयर टू दिस कार। इसके बाद अगर बात कीजिए ग्रैंडी के इंटीरियर की, तो यह है किसी की अपनी चॉइस है, लेकिन 90% लोगों का ओपिनियन यही है कि इंटीरियर ऑब्सोलीट हो चुका है। 2023 के लिहाज से ये गाड़ी को इतनी मज़ेदार नहीं लगती। अब इसमें कलर टोन ऑफर कर दी गई है इंटीरियर की, और ये स्पेसिफिक कार टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, इस तरह से कि इसमें ब्लैक रूम भी लिया गया है। इस पर डैशबोर्ड की लुक बड़ी नॉर्मल सी है, लेकिन यहाँ पे फ्रिल्स अच्छी यूज़ की गई हैं, यहाँ पर लेदर स्टिचिंग बहुत सारी कंटिन्यू की गई है, ग्लॉस ब्लैक लेदर एल्युमिनियम ये इस गाड़ी में काफी सारा यूज किया गया है एज कम्पेयर टू सिविक। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी में लेदर स्टिच आता है। मेन मेन फीचर्स की बात की जाए तो ये गाड़ी पैडल शिफ्टर ऑफर करती है, जो कि सिविक के ऊपर इस गाड़ी का एज है। फिर इसके अलावा इसमें जो वाइपर्स हैं रेन सेंसिंग आते हैं, यानी कि बार्च को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होंगे, और अपनी स्पीड को भी कम या ज़्यादा करेंगे, अगेन ये चीज़ भी सिविक के ऊपर एज है। फिर इसमें क्रूज कंट्रोल आता है, मीटर इस गाड़ी का लुक्स के लिहाज से ठीक है, और ये गाड़ी आपको काफी सारी स्टेट्स को करवाती है। इसकी डैशबोर्ड इस गाड़ी का सॉफ्ट टच पैडिंग की फिनिश में है, और इसमें एयरबैग्स जो है ये टोटल 4 दिए गए हैं। सिविक यहाँ नंबर लेके जाती है, कैसे मैं आगे कवर करूंगा अभी। फिर इसमें एयरबैग्स के अंदर ये एल्युमिनियम की फ्रिल्स दी गई हैं, और इसका जो डैशबोर्ड है ये भी फेस लिफ्ट वाला है। डैशबोर्ड के सेंटर में स्क्रीन दी गई है, जो कि सिविक से बहुत ज़्यादा प्रीमियम है। इसके अंदर टोयोटा शो, टोयोटा कनेक्ट, फ्रंट कैम वगैरह बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जो कि मैंने डिटेल रिव्यूज़ में कवर की हुई हैं, लेकिन ओवरऑल फीचर इस गाड़ी की स्क्रीन में कंपैरेटिवली सिविक स्क्रीन से ज़्यादा आते हैं। फिर उसके अलावा नीचे क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है, जो कि इसमें सिंगल जोन है, सिविक का इससे बेहतर है, कैसे मैं आगे कवर करूँगा अभी। और उसके अलावा नीचे पर यहाँ पे ऑक्स इनपुट, चार्जिंग इनपुट वगैरह दिए गए हैं। उससे पीछे इस गाड़ी का गियर सिलेक्टर दिया गया है, और उसमें जो गियर सिलेक्शन है वो है PR&D, और डी में करके आप इस गाड़ी को मैनुअली भी चला सकते हैं लाइक दिस। ये चीज़ इस गाड़ी में बेहतर है, यहाँ पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं, और इसके अलावा फिर इस गाड़ी में ड्राइविंग मोड्स भी आते हैं, जैसा कि स्पोर्ट मोड, और फिर यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल भी दिया गया है। उससे पीछे इसकी हैंडब्रेक दी गई है, जो कि सिंपल है, सिविक यहाँ नंबर लेके जाती है, सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि नॉर्मल सा है, अगेन सिविक का इससे ज़्यादा स्पेशियस आता है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की सीट्स की, तो ये सारी ही लेदर की फिनिश में है, और ये कार ब्लैक क्रोम के साथ है। इसमें क्रोम काफ़ी सारा यूज़ किया गया है इंटीरियर के अंदर। इसके डोर हैंडल जो हैं ग्रैंडी में ये क्रोम में आते हैं, और इसके अलावा इसमें सिर्फ ड्राइवर की विंडो सिंगल टैप वाली है, पैसेंजर की नहीं है। अगेन सिविक में फ्रंट की दोनों विंडो सिंगल टैप वाली आती हैं, और RS के अंदर चारों विंडो सिंगल टैप वाली आती हैं। फिर इसके अलावा इस गाड़ी के साइड में रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल भी हैं, लेकिन इसमें जो डोर लॉकर अनलॉकर है वो सिर्फ ड्राइवर के पास दिया गया है, सिविक में पैसेंजर के पास भी आता है, जो कि मैं आगे दिखाऊंगा आपको। लेकिन ग्रैंडी में जो चीज़ें बेहतर हैं वो ये है कि इसमें एक तो रेड व्यू मिरर ऑटो डिमिंग वाला आता है, केबिन लाइट्स भी बहुत सारी आती हैं इसमें, यहाँ पे वैनिटी मिरर के ऊपर भी लाइट्स दी गई हैं, यहाँ टोटल 7 केबिन लाइट्स हैं, और इसके अलावा ये दोनों गाड़ियाँ सनरूफ ऑफर करती हैं। तो अगर मैं आपको मेन मेन चीज़ें बताऊँ, तो इस गाड़ी में पैरल शिफ्टर्स आते हैं, ऑटो डिमिंग वाला रेड व्यू मिरर आता है, ड्राइव मोड आते हैं, स्क्रीन इस गाड़ी की बेहतर है, और इसके अलावा फिर इसमें केबिन लाइट्स भी काफ़ी सारी आती हैं, बाकी सारे फीचर्स सिविक में ज़्यादा हैं। और अब मैं आ गया हूँ होंडा सिविक इंटीरियर में। मेरे ख्याल से ये इंटीरियर लुक्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा बेहतर है। ये इंटीरियर क्योंकि व्हाइट में है, तो ये काफ़ी ब्राइट लग रहा है। मुझे पर्सनली बेज इंटीरियर ज़्यादा पसंद है, और इसके अलावा लुक्स के लिहाज से भी ये काफ़ी अपडेटेड है मॉडर्न डे के लिहाज से। फिलहाल अगर बात की जाए स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील की जो फील है ये ग्रैंडी की ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इस गाड़ी में ये बिल्कुल प्लास्टिक का है, जबकि ग्रैंडी में इसके ऊपर लेदर की स्टिचिंग आती है। लेकिन इसके जो स्पोक्स पे कंट्रोल्स हैं ये ज़्यादा हैं, इस तरह से कि इसमें वॉल्यूम और क्रूज तो दिया ही गया है, लेकिन यहाँ पे एक स्क्रॉल व्हील दिया गया है, जहाँ से आप इसके मीटर के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। इस गाड़ी का मीटर भी हाफ डिजिटल है और हाफ एनालॉग है,
जो डिजिटल वाला पोर्शन है यहाँ पे गाड़ी आपको बहुत सारी डिफरेंट चीजें शो करवाती है, जैसे कि ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, आप इस डिस्प्ले को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे गाड़ी आपको मेंटेनेंस इंटरवल शो करवाती है, ड्राइवर अटेंशन शो करवाती है, और ये सारी की सारी चीजें ट्रेंडी में नहीं आती। इसके अलावा इसके मीटर की ओवरऑल जो प्रेजेंटेशन है ये भी सारा अच्छी है, लेकिन इस गाड़ी में जो वाइपर्स हैं ये रेन सेंसिंग नहीं आते। बाकी अगर बात की जाए डैशबोर्ड की हाउसिंग की तो ये अगेन नॉर्मल सी है, ट्रेंडी की प्रेजेंटेशन ज्यादा बेहतर है, लेकिन इसमें जो स्क्रीन है ये डैशबोर्ड से ऊपर निकली हुई है। ये फ्लोटिंग डिजाइन है जो कि आजकल ज्यादा इन है, आपको टुसॉन मोस्टली कार्स में ये ऐसा ही नजर आएगा, बेशक सोनाटा हो या ऑडी वगैरह हो, उनमें इसी तरह ऊपर निकलता है, लेकिन फीचर्स के लिहाज से कंपैरेटिवली ग्रैंडी इससे बेहतर है। इसमें भी ऑक यूएसबी वगैरह इस तरह की सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें उसमें ज़्यादा आती हैं। बाकी फिर इसमें फ्रंट कैमरा भी दिया गया है, और इसके अलावा नीचे फिर ये एयरवेंट्स दिए गए हैं। एयरवेंट्स की ग्रिल भी इस गाड़ी में उससे ज़्यादा बेहतर है, यह हेक्सागोनल पैटर्न के अंदर है, और इसमें एयरवेंट आते भी 6 हैं, 4 डैशबोर्ड में, 2 रियर पैसेंजर्स के लिए। फिर इसके अलावा नीचे ये क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है, क्लाइमेट कंट्रोल से भी कि 11 जनरेशन में डुअल जोन आता है, यानी कि ड्राइवर और पैसेंजर अपनी मर्जी के लिहाज से इसके टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हैं। अगेन ये चीज़ ग्रैंडी में नहीं है, और ये एक बड़ा एज है उस गाड़ी के ऊपर। ये चीज़ टुसॉन वगैरह में आती है, लेकिन इसमें भी दी गई है। फिर यहाँ पे एक मैस्कुल ऑप्शन भी आता है जो कि अगेन ग्रैंडी में नहीं है। बाकी नीचे ये ऑक्स इनपुट वगैरह दिया गया है, एक ड्रॉ दी गई है, और इसमें जो गियर सिलेक्शन है वो है PR&D स्पोर्ट्स और लोड। आप इस गाड़ी को मैनुअली नहीं चला सकते, ग्रैंडी आने में लेके जाती है, उसमें पैडल शिफ्टर्स भी आते हैं, और आप उसके गियर्स को भी मैनुअली शिफ्ट कर सकते हैं जैसा कि मैंने दिखाया था। फिर इसमें यहाँ पे एक इकोन मोड दिया गया है, और इसकी पार्किंग ब्रेक दी गई है, पार्किंग ब्रेक इस गाड़ी में बेहतर है। ये इलेक्ट्रॉनिक आ रही है सिविक एक्स से ही, और इसके अलावा फिर यहाँ पे कप होल्डर्स दिए गए हैं, और सेंट्रल कंसोल दिया गया है। सेंट्रल कंसोल इस गाड़ी में काफ़ी स्पेशियस आता है। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी की सीट्स की तो ये भी लेदर की फिनिश में है, इसमें स्टिचिंग कंटिन्यू करती है, सेम लेदर इसका डोर्स के अंदर भी दिया गया है, और इस गाड़ी में भी ब्लैक रूम ऑफर होता है। ये स्पेसिफिक कार बेस्ड रूम है, आप कुछ एक्स्ट्रा पे करके ब्लैक रूम भी ले सकते हैं। इसके अलावा इसमें फ्रंट दोनों ही विंडो सिंगल टैप वाली हैं, यानी कि आप इनको सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकते हैं लाइक दिस, और इसके अलावा इसमें डोर्स लॉकर अनलॉकर भी ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के पास आता है। इसमें भी साइड में रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं, लेकिन आप इसके हेडलाइट की हाइट को भी ऊपर या नीचे कर सकते हैं। ये चीज़ ग्रैंडी ऑफर नहीं करती, लेकिन जो चीज़ें ये ऑफर नहीं करती वो है एक तो वैनिटी मिरर की लाइट्स, इसमें वैनिटी मिरर में कुछ भी नहीं आता। इसके अलावा सेंटर में फिर इसकी सनरूफ दी गई है, और इसमें फिर ऑटो डिमिंग वाला फीचर भी नहीं आता रियरव्यू मिरर के अंदर। तो कुछ चीज़ें उसकी बेहतर हैं, कुछ चीज़ें इसकी बेहतर हैं। आपको जिस गाड़ी की चीज़ें ज़्यादा बेहतर लगती हैं आप उस गाड़ी की तरफ ऑप्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात कीजिए इन गाड़ियों के रियर पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये सिविक की कैपेसिटी है जो कि लेगरूम के लिहाज से तो काफ़ी स्पेशियस है और हेडरूम के लिहाज से भी, लेकिन इसमें यहाँ पे एक हम्प आता है, तो बैक पे इस गाड़ी में 2 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। इसकी सीट्स भी सेंटर से रेज हैं, ये शो करवाती है कि ये गाड़ी 2 लोगों के लिए डिज़ाइन की गई है बैक पे, लेकिन 3 लोग आ सकते हैं। और इसके अलावा बैक में यहाँ पे फिर एयरवेंट्स दिए गए हैं, इसमें एयरवेंट्स आते हैं, ग्रैंडी में चार्जिंग आउटलेट्स आते हैं, तो आपके लिए क्या चीज़ ज़्यादा प्रेफरेबल है आप डिसाइड कर सकते हैं। इसमें चार्जिंग आउटलेट्स नहीं दिए गए, और इसके अलावा सेंटर में इसमें फिर एक सेंट्रल कंसोल दिया गया जिसको निकाल के आप इसमें से 2 कप होल्डर्स भी एक्सेस कर सकते हैं। बैक पे इस गाड़ी में कुछ खास फीचर्स नहीं आते, सिर्फ ये एयरवेंट्स दिए गए हैं, स्पीकर्स दिए गए हैं, और सेंट्रल कंसोल दिया गया है। बाकी इस गाड़ी में सीट्स, आईओएस के पोर्ट्स वगैरह आते हैं, लेकिन इसके रियर बेंचेस फिक्स्ड हैं। और अगर बात की जाए ग्रैंडी रियर पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये काफ़ी स्पेशियस है। मेरे पास यहाँ पे लेगरूम का बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है, हेडरूम का भी नहीं है, और इसमें सेंटर में फ्लोर बेड भी फ्लैट आता है, तो यहाँ पे 3 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। इसकी सीट्स का भी सेम ही लेवल है, लेकिन इसमें बैक पे एयरवेंट्स नहीं आते, बट बैक पे यहाँ पे चार्जिंग आउटलेट्स दिए गए हैं रियर पैसेंजर्स के लिए। फिर इसमें भी सेंटर में ये सेंटर कंसोल आता है जिसको निकाल के आप इसमें से कप होल्डर एक्सेस कर सकते हैं, और इसको एज ए आर्मरेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें आईएसएफ के पोर्ट्स दिए गए हैं, सीट बेल्ट्स दी गई हैं, लेकिन इस गाड़ी में रेयर सीट्स भी फोल्डेबल आती हैं। मैं सीट्स को यहाँ से फोल्ड करके इस गाड़ी की ट्रंक को कैबिन के अंदर से एक्सेस कर सकता हूँ लाइक दिस, ये चीज़ सिविक ऑफर नहीं करती। और इसके अलावा फिर इस गाड़ी में कैबिन लाइट्स भी आती हैं बैक पर, 2 यहाँ पर, एक सेंटर में, जबकि सिविक में इतनी सारी नहीं आती। इसके बाद अगर बात की जाए इन गाड़ियों के इंजन की, तो ग्रैंडी में जो इंजन आता है ये 1800cc पेट्रोल है, जबकि सिविक की 11 जनरेशन में जो इंजन आता है ये 1.5 टर्बोचार्ज्ड है। सिविक में पहले जो कि इसके साथ कार आती थी उसमें भी इंजन 1800cc था, और वो गाड़ी भी कंपैरेटिवली ग्रैंडी से थोड़ी सी स्लगिश थी। वो दोनों गाड़ियां 138 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती थी, जबकि ये गाड़ी 127 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, और बॉडी के लिहाज से ये गाड़ी सिविक की 10 जनरेशन से थोड़ी ज़्यादा बड़ी है। तो डेफिनेटली ग्रैंडी इस गाड़ी को बहुत आसानी से बीट कर सकती है। ग्रैंडी की परफॉर्मेंस फिगर्स 138 हॉर्स पावर हैं, जबकि सिविक की परफॉर्मेंस फिगर्स 127 हॉर्स पावर हैं, तो यहाँ पे हॉर्स पावर का भी डिफरेंस है। लेकिन इसी गाड़ी के अंदर एक और इंजन आता है सिविक RS, वो गाड़ी कंपैरेटिवली ग्रैंडी या किसी भी कार से बहुत ज़्यादा तेज है जो कि पाकिस्तान में ऑफर होती हैं।
वो गाड़ी आराम से सोनाटे को भी बीट कर सकती है और वो गाड़ी 178 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। इंजन उस पर भी ऐसा ही आता है लेकिन उसके अंदर टर्बो में और ट्रांसमिशन की कुछ रिफाइनमेंट्स हैं जो कि इसकी परफॉर्मेंस को बहुत बेहतर बना देती हैं। नॉनदलेस ये दोनों गाड़ियाँ एवरेज ऑलमोस्ट सेम ही देती हैं, तकरीबन 11 से 12 की विद इन सिटी। लॉन्ग पे गाड़ियाँ 14-15 भी जा सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न। ट्रांसमिशन इन दोनों ही गाड़ियों में सीवीटी आती है, इनमें ABS भी आता है और इसके अलावा ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है, ड्राइविंग मोड्स भी आते हैं, लेकिन डेफिनेटली ग्रैंडी इस कार से ज़्यादा तेज़ है। बाकी दोनों ही गाड़ियों के बोर्ड के अंदर इंसुलेशन दी गई है, बोर्ड इन गाड़ियों के स्टैंड से ओपन होते हैं, लेकिन ग्रैंडी का इंजन कैबिन थोड़ा वेल कवर्ड है। सिविक में सब कुछ बिल्कुल एक्सपोज है, बेशक वो फेंडर्स हों, रेडिएटर हों, बम्पर के नट्स वगैरह हों, बहुत कुछ इसमें बिल्कुल एक्सपोज है, जो कि ग्रैंडी में ये थोड़ा सा बेहतर है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए टायर साइज की, तो ग्रैंडी में टायर साइज जो आता है ये 205, 55 और 16, इसमें 16 इंच का रिम दिया गया है, लेकिन टायर्स गाड़ी में बेहतर आता है। योकोहामा का एडवांस जो कि कंपैरेटिवली से अगर टायर से कम प्रीमियम है, जो कि मैं कवर करूँगा अभी, और उसके अलावा इस गाड़ी में ABS भी आती है, ऑल व्हील डिस्क ब्रेक भी आती है। रिम इस गाड़ी में 16 इंच का है और ये डुअल कॉम्बिनेशन में है एलुमिनियम और ग्रे के, जबकि सिविक का जो टायर साइज है यह है 215, 55 और 16। रिम इस गाड़ी में भी 16 इंच का आता है और ये भी डुअल कॉम्बिनेशन में है एलुमिनियम और ग्रे के। अगेन इसमें भी ऑल व्हील डिस्क ब्रेक आती है, लेकिन इसका टायर BG-Luxo प्लस है जो कि जनरल की ही सब्सिडियरी है, ग्रैंडी में टायर से बहुत बेहतर आता है, तो मेरे ख्याल से ग्रैंडी यहाँ नंबर ले जाती है। ये था आज का रिव्यू, अगर आपकी रिव्यू पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास इन गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ियाँ लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू।